तो मैं वॉशरूम जाने वाला था टॉयलेट करने, बट आई अगेन सॉ दिस थिंग. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. वेलकम बैक टू अनरैप जिंदगी. दैट मोस्ट अवेटेड वीडियो जो मेरे दिमाग में था वो मैंने बनाया और वो एडिट किया, एंड देन इट्स फाइनली लाइव. आज इट्स लाइक 13th मार्च टुडे एंड द वीडियो इज लाइव. इट्स एक्चुअली प्लेइंग इन वन ऑफ माई चैनल्स, मतलब दूसरा एक अकाउंट है उसे प्ले कर रहा हूँ. अच्छा लग रहा है देखने में. सो इफ यू हैवन वॉच्ड इट, इट्स लाइक अ स्टोरी विच आई हैव नेवर शेयर्ड. लाइक 2020 हैज़ बीन अ ईयर इन माई लाइफ जो मेरा लाइफ का एक एक्चुअली टर्निंग पॉइंट था, है, वट एवर यू कैन से. सो डू चेक इट आउट, द लिंक इज इन द आई बटन. इट्स एन अमेजिंग वीडियो, ट्रस्ट मी यू लव इट. थोड़ा लंबा है बट देख लें जो भी हो. सो माई पैकिंग इज डन, फिर से अनपैक करके फिर से पैक भी कर लिया मैंने, चेक करने के लिए सारा चीज़ें है कि नहीं. एंड दैट्स माई कैमरा बैग, ये कैमरा हाथ में रहता है, घुसता नहीं है. और सारा चीज़ें ले लिया. आई नीड टू वॉश माई फेस एंड देन आई विल गो. Finally, I have entered the hotel. Need to check in. Sara, procedures bhi karna hai. So, I have actually come here abhi check-in ke liye. Arup bhaiya help karenge. He has already checked in yesterday. So, I am waiting and also Anirban is waiting. How many of you guys remember him? He came in one of my vlogs actually. So, dono baithe hain, wait kar rahe hain. And once he comes, we'll check in. And dekhte hain baad mein kya hota hai, nahi hota hai. So let me share with you कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, what are the things and all. So the thing is that we are actually hosting a whole event in Kolkata for the first time and I am obviously a part of it. Obviously it's मेरे business से related है, so बहुत कुछ चीज़ें मैं share नहीं करूँगा obviously for confidential things and all. But the thing is that ये event Kolkata में schedule होने का कोई मतलब chance ही नहीं था, but we made it happen. It's just not me actually, it's like the all the people from here and also from Chennai, yeah, people are coming to attend this whole event actually. Aur kya cheez ke upar ye event hai, this is actually you know to help and encourage you know new age entrepreneurs ki aisa hota na bahut ki people want to start their business but wo paise ki kami ki wajah se hi they cannot start. So you know bridging that gap and everything analysis, uske baad discussing about the business strategies, how to expand business, how to grow business, how to even start a business and everything. उस सब चीज़ के ऊपर एक detailed sessions 4 दिन तक चलेगा ये and it's gonna be absolutely amazing. बहुत कुछ चीज़ें मैं in this 4 days में share करूँगा but I'm in love with this hotel actually. मतलब ये resort amazing है, मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा होगा. And this is the first time I'm staying in an ITC property. First time. It has been a dream. सपने पूरे हो रहे हैं यार, तुम लोगों के साथ हो रहे हैं, मतलब तुम लोगों के सामने हो रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट. सो चेक इन करने के बाद रूम टूर होगा, ठीक है, वेट. ओके, दैट इज द थिंग. ओके फाइन, यहाँ पर डालना होगा. ओके, सो दैट इज द रूम दैट यू हैव गॉट. ऑब्वियसली हमने चेक इन करके रखा था. नाउ दिस आर लाइक द बॉटल्स एंड द टी सैशेस एंड ऑल. सो यहाँ पे क्या है, कबर्ड. सो आई थिंक दिस इज द वॉशरूम, राइट? ओके, सो दैट्स अ नाइस वॉशरूम बाय द वे. दिस इज व्हेयर यू थिंग्स, व्हेयर यू फ्लश थिंग्स एंड ओके. सो दिस कर्टन इज नॉट एट ऑल अ क्लीन वन एंड नॉट टू मच स्पेशियस बट काम चलने लायक है. सो आई विल रिवील विथ हुम आई एम एक्चुअली स्टेइंग इन दिस होटल, इन दिस रूम एक्चुअली. सो ये यहाँ पे 2 beds है, बीच में टेबल है, यहाँ पे एक बैठने का जगह, 2 बैठने का जगह. एंड लेट मी सी द व्यू. अच्छा, हाँ, इट्स अ नाइस व्यू ब्रो, नाइस नाइस. सो यहाँ पे आने के बाद मैंने अपना बेड डिसाइड कर लिया और उस बेड में कौन है ये भी आप लोगों को पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो मीट अरिजीत कुनार. हेलो गाइस, एंड आई नो हिम फ्रॉम 2018. ही इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. पहले दिन मैंने एक्चुअली यू नो व्हेन आई मेट हिम एक्चुअली आई थॉट ही इज अ सीनियर बिकॉज ही हैज अ वेरी डीप वॉइस. वेरी कैन यू स्पीक?
हेलो गाइस. सो ही हैज अ वेरी डीप वॉइस एक्चुअली. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ना अभी, मतलब यू नो नाउ व्हेन आई एम मेकिंग ट्रैवल फिल्म्स एंड ऑल, तो वहां पे ना डीप वॉइस होने से बहुत अच्छा लगता है. आई आई मुझे भी कास्ट किया एकदम एकदम. लास्ट में लिख दूंगा मैं वॉइस आर्टिस्ट अरिजीत को. ठीक है ठीक है, थोड़ा छोटा-मोटा काम मिल जाएगा. अच्छा, ये सब बारे में तो पहले मैं बता दूं कि यहां पे इस इवेंट में आने का श्रेय जाता है इनको. इन्होंने मुझे इनवाइट किया है. Yes. और बहुत दिन से सोच रहा था कि कहीं जाना है, कहीं जाना है, जाना है. कोई पार्टनर नहीं, एवरीथिंग आफ्टर लॉकडाउन तो हुआ नहीं. हाँ, हुआ तो नहीं. बहुत सारे प्लान्स, जैसे सो कॉल्ड गोवा प्लान्स जैसे होते हैं, वी मेक प्लान्स एंड दे आर बाउंड टू बी कैंसिल्ड. दे आर एक्चुअली प्लान्ड टू बी कैंसिल्ड. तो फॉर्चुनेटली इस बार क्या हुआ कि फटाक से सब हुआ, फटाक से इन्होंने मुझे बोला. हाँ, बहुत देर से प्लान बना के रहने से कुछ होता नहीं है. होता नहीं है वो तो देन एंड देयर होता है. ऐसे करते हुए वी लैंडेड अप हियर. हां, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट लाइक आई एम लाइक 24, ओके 24 ईयर ओल्ड. सो 24 साल में दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं कोलकाता में ही हूँ एंड आई एम एक्चुअली स्टेइंग इन अ रिजॉर्ट. दिस इज द फर्स्ट टाइम एवरीथिंग एक्चुअली इन लाइफ. बहुत कुछ चीजें फर्स्ट टाइम हो रही है. दिस इज एक्चुअली द व्यू ओवर हियर व्हिच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. द व्यू इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. हाँ, बहुत अच्छा है. और वो क्या मतलब पॉन्ड है या फिर स्विमिंग पूल तो लग नहीं रहा है. अच्छा, वो क्या होटल का ही पार्ट है या? ये मेरा भी क्वेश्चन है, आई डोंट नो. बट अभी तो भूख लगना चालू हो गया है. आर यू हंग्री? वेरी मच. यस, आई एम ऑल्सो हंग्री. कुछ देर बाद लंच होगा, वो भी दिखाएंगे क्या क्या है खाने में. बट थोड़ा अभी रेस्ट करते हैं, फिर जाते हैं खाने, आपको दिखाएंगे. तो मैं वॉशरूम जाने वाला था टॉयलेट करने, बट आई अगेन सॉ दिस थिंग. मैंने प्राइड प्लाजा में भी देखा था. आई डोंट नो व्हाई, मतलब दिस इज समथिंग लाइक अनआंसर्ड मिस्ट्री. मतलब क्यों बाथरूम में, वॉशरूम में, व्हाई टू पेयर्स ऑफ, आई मीन वन पेयर ऑफ ग्लास? प्लीज कमेंट. होटेलियर्स जितने भी हो कमेंट करो. एंड तनफेस, यू आर ए होटेलियर तो बताओ. आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा है. होटल के अंदर सनग्लास पहनने का मजा ही कुछ और है. पर भूख बहुत ज़्यादा लग गया है. नीचे बहुत सारे लोग हैं, मैं इसलिए नीचे जा रहा हूँ लॉबी में टू मीट दोस पीपल. सो दिस इज एक्चुअली द पूल एरिया जहाँ पे आए हैं. एंड हाउ मेनी ऑफ यू गाइज रिमेंबर हिम? I was on this guy's videos, vlogs. Who is going to come with me in the morning to this pool? Morning time. Morning, yeah, like I want to early morning. After 10. Yes, early morning. Early morning. I can manage one day. Okay, इसका call आ रहा है. Let's see. So this pool is मतलब area बहुत बड़ा है, right? मतलब यहाँ से शुरू होके वहाँ तक huge area. And बिना swimming जान के भी I feel like diving in. You don't know swimming? No, you know. He knows actually. मेरे को सीखना होगा actually. Actually this beauty and learning swimming. Actually this beauty and the breeze. बहुत अच्छा लग रहा है. Oh my god. It's So you are liking the property, right? कितना अच्छा. Absolutely. सही है ना एकदम? Gorgeous. बहुत अच्छा है यार. मतलब 1:30 PM and still like morning. हाँ, early morning. एकदम दोपहर. 1:30 नहीं है अभी. 1:30 है. Yeah. Oh sorry. 1:30 है अभी. So सही लग रहा है. सही feeling. But if you have a look like bare eyes, then you will feel like morning. This is the first time I ITC ke kisi property. Correct. First time for you, right? First time for me also. First timers. So we lunch करेंगे. And the lunch is ready. He is busy clicking pictures, same as me. But बहुत सारा कुछ चीज़ें हैं, पता नहीं क्या क्या है. मुझे खाना है अभी, बहुत भूख लगा है. And I'll have to keep the camera somewhere. So I have taken this pasta. And it really tastes good actually. इतने सारे आइटम हैं कि आई एम कन्फ्यूज कौन सा पहले खाना है. So I've taken just chapati, पनीर एंड सम सैलड्स. नॉन वेज सेक्शन यहाँ पे है. आई फॉरगॉट टू शूट. नज़र मत देना बस, बाकी जो करना है. So अभी वो ख़त्म हो गया. एंड दिस इज पुलाव, चिकन बटर मसाला, एंड दिस इज फिश तावा. बाप रे, लुक एट दिस प्लेट. इन जस्ट अ मिनट, लुक एट दिस प्लेट. What? No, hot plate is still fine, but this plate, man. This is a flavored cream called mousse. First time सुन भी रहा हूँ, taste भी कर रहा हूँ. Okay,
केक के ऊपर जो क्रीम रहता ना इज एग्जैक्टली द सेम विद अ बिट ऑफ जेली. सो यहाँ पर जो मैंने खाना खाया ना इट वॉज अमेजिंग. मतलब एक एक चीज़ आई रियली लव्ड इट, स्पेशली यू नो द डेजर्ट पार्ट इट वॉज जस्ट अमेजिंग. खाने तो रूम में जाके मिलता है. लंच सेक्शन में इतना पसीना पसीना हो गया ना, मतलब वहाँ पे एसी बंद करके रखा है बिकॉज खाना ठंडा ना हो जाए. दबा कर खाना पसीने से लिटरली बहुत गर्मी थी वहाँ पे. ओके सर, नाउ यू गोना गो टू द रूम एंड इसका भी चेकिंग नहीं हुआ राइट? योर चेकिंग इज नॉट नॉट येट, सो आई एम गेटिंग फॉरवर्ड माय चेकिंग. यस एंड दैट्स शुमोना, फर्स्ट टाइम कमिंग इन माय व्लॉग्स. यस, हाउ वाज द लंच? अमेजिंग अमेजिंग राइट? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा. पेट पूरा भर गया है, अभी नींद ना आ जाए बस. नींद ना आए तो माँ मुझसे पूछ जाएगा. मुझे नींद ना आए. We're running short of time, so the event has started and we're gonna be a part of it. Moments later. बस चाउमीन लेके बैठा हूँ, रोटी आएगा तो रोटी लूँगा. Why not rice? I don't like. You like roti? So I will take one from him by the way. Yeah. मिलेगा ना? मिलेगा ना? ठीक है. खाना बहुत ही अच्छा. लंच वॉज अमेजिंग, डिनर अमेजिंग, पर ब्रेकफास्ट में कैसे ही मिलेगा? सरप्राइज, बट आई एम श्योर इट विल बी अमेजिंग. ऑप्शंस बहुत है, दैट इज द थिंग, लॉट ऑफ ऑप्शंस. सो फाइनली डिनर डन, ही इज डेड टायर्ड और मैं भी टायर्ड हूँ बहुत. कल सुबह बहुत जल्दी उठना है, अभी 12:30 बजने को है. बट आई एम गोइंग टू हैव सम, सॉरी फॉर दिस, बट आई एम गोइंग टू हैव सम कैजुअल टॉक्स विथ यू नो माय एडवाइजर एंड अदर पीपल ओवर देयर. रात कब होगा पता नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि नहीं वो भी पता नहीं, बट आई एम ऑल्सो टायर्ड. कल की कहानी कल बताऊँगा, बट ऑल्सो मैं पता नहीं कि वीडियो कब एंड करूँगा कब शुरू करूँगा, सो फॉरगिव मी ऑन दैट पार्ट. But let me go now. I need to first change.